शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं अपने भीतर पल रहे इस मासूम की जान नहीं लेने दूंगी। गलत परिवार इसे अपनाए या ना अपनाए, मैं इसे जन्म देकर रहूंगी। आपके खिलाफ FIR दर्ज हो चुका है और ये रहा FIR की कॉपी। मैं जा रही हूँ उमा भाभी, पर मेरी एक बात याद रखना, दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए पर मैं अपनी बेटी को इंसाफ दिला के रहूंगी। क्या यश खुद को मारने की बात कर रहा था? इन दिनों एक के बाद एक इतनी सारी चीजें घट गई हैं यश जी के आसपास कि हमें लगता है बहुत ज्यादा सोचने की वजह से वो अपना दिमागी संतुलन खो रहे हैं। तेरे कहने का क्या मतलब है अंजलि? यश पागल हो रहा है? नहीं 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 माँ, नहीं नहीं नहीं, लेकिन उसी तरफ बढ़ने की शुरुआत हो सकती है। यश जी का दिमाग उनके वश में नहीं है, वो किसी की भी बात सुनकर कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमें बहुत डर लग रहा है। अंजलि को लगने लगा है कि तुम पागल हो रहे हो। माफ करना भाई, मैं तुझसे छिपाना नहीं चाहता था, पर तुमसे छिपाना ना इंसाफी होगी। अंजलि अब मेरे करीब आना चाहती है। क्या बकवास कर रहा है तू? क्या बकवास कर रहा है? अंजलि से मेरी है, सिर्फ यश की, समझा? काश तुम्हारी बात में सच्चाई होती। मुझे भी ऐसा ही लगा था जब तक उसने मुझे मैसेज नहीं भेजा था। देखो, यश जी अब पहले जैसे नहीं रहे, अब वो मुझे टूट कर नहीं चाहते, अब बहुत भड़कते हैं। वो खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया, अब किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, फिर हमारा क्या होगा? एक बात बताओ, तुम अब भी हमसे प्यार करते हो ना? मैं समझता हूं, जब मेरे फोन में देखेगा तो यश को यकीन हो जाएगा कि तुम सचमुच मुझे चाहते हो अंजलि को। तुमने मुझे धोखा दिया। क्यों अंजलि?
अंजलि तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो? कैसे? जन्मों जन्मों तक साथ रहने का वचन दिया था आपने। यश और अंजलि से यशांजलि बने थे। छोटी सी मुसीबत क्या है हमारे सामने? तो अपने यश को तुम धोखा कैसे दे सकती हो? कैसे अंजलि, कैसे? क्यों क्यों? हमें जल्द से जल्द यशी को किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से दिखा लेना चाहिए पापा। उनकी उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। हम जितनी जल्दी दिखाएंगे, जितनी जल्दी उनका इलाज होगा, उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएंगे ना। अच्छा क्या हो मेरे बच्चे को? डर लग रहा है कि कहीं वो तेजी तो होकर कोई गलत कदम ना उठा ले। पापा, अगर आप कहें तो हम उन्हें डॉक्टर को दिखा दें। हाँ बेटा, हमें जल्द से जल्द यश को डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उमा, जरा मेरे साथ रसोई में आना। तू हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। ये पापा, एक सलाह दे रही हूँ, टुकड़ों टुकड़ों में अपनी औलाद को मारने से अच्छा एक ही बार में मार दे। ये आप कैसी बातें कर रही हैं ताई जी? क्या तू भी उस अंजलि की बातों में आकर अपने बेटे को पागल समझने लगे? तभी तो दिमाग के डॉक्टर के पास भेजने को तैयार हो गई ना। अभी भी संभल जाओ माँ, मत आओ उस भोली भाली शक्ल वाली अंजलि की बातों में। यश बिल्कुल ठीक है। जबरदस्ती वो लड़की उसे पागल बना रही है। एक तरफ यश को झुंझुना दिखा रही है और दूसरी तरफ आदित्य को फंसाने की कोशिश कर रही है। क्या कह रही है ताई जी? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे भी हैरानी हुई थी, लेकिन जब सच तेरे सामने आएगा तेरी भी आंख खुलेगी। ऐसे चुपचाप कहां जा रही? रिचा, रिचा, लाला जी, बहू जी जल्दी आई है। किशोरी काकी, क्या हुआ? अभी रिचा बैग लेकर निकली है, पता नहीं कहां गई। आप लोग जाके देखिए ना। इतनी रात को बैग पैक करके कहाँ चली गई मेरी बच्ची? मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो चल कर देखते हैं। रिचा, रिचा, रिचा बेटा, कुछ से भी ज्यादा प्यार करते हम आपसे। आपको ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकते, नहीं देख सकते यश जी।
चल मेरे साथ। क्या हुआ बड़ी दादी, कहाँ लेके जा रही है आप हमें, क्या हुआ? सच सच बता, तेरा और आदित्य का क्या रिश्ता है? हम जानते हैं कि वो आपके नाती है, बहुत प्यार करती हैं आप उनसे, लेकिन बड़ी दादी हमारा उससे नफरत का रिश्ता है, नफरत करते हैं हम उससे। अरे बेरोपिया है तू, तेरे मन में कुछ और तेरी जुबान पे कुछ रहता है, चक्कर चलाना चाहती है ना तू आदित्य के साथ। बड़ी दादी ये आप क्या कह रही है, बड़ी दादी आप ऐसा सोच भी कैसे सकती है? चुप, तू जानती है ना मुझे, मैं तुझसे सच गलवा के रहूंगी। बड़ी दादी सच बोल दे अंजलि, वरना इस दिए के गरम तेल से जला दूंगी तुझे। मैं 5 तक की गिनती गिनूंगी, अगर तूने सच नहीं कबूला तो सोच ले। एक, बड़ी दादी आप ऐसा सोच भी कैसे सकती? दो, कैसी बातें कर रही है? 3, बड़ी दादी आप क्या कह रही है? 4, बड़ी दादी नानी अंजलि को छोड़िए। अंजलि अपने कमरे में जाओ। प्यारी नानी अपने दिमाग पर इतना लोड मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा, आप जाइए। नानी ने कुछ उल्टा सीधा करके मेरा खेल बिगाड़ दिया तो मुश्किल हो जाएगी। देर पहले निकली रिचा, इसका मतलब ज्यादा दूर नहीं गई होगी। ऐसा करते हैं, आप इधर देखिए, मैं इधर देखती हूँ। तेरा और आदित्य का क्या रिश्ता है? बड़ी दादी कैसे शक कर सकती है आप पे? भी आपको धोखा देने के बारे में नहीं सोच सकते यश जी, आपको धोखा देने से पहले तो हम मर जाएंगे। अंजलि को लगने लगा है कि तुम पागल हो रहे हो, अब किसी भी वक्त उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, फिर मेरा क्या होगा? तेरे कहने का क्या मतलब है अंजलि?
यश पागल हो रहा है? नहीं 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 माँ, नहीं नहीं, इसकी उसी तरफ बढ़ने की शुरुआत हो सकती है। तुम सब मिलके मुझे पागल बनाना चाहते हो ना? हाँ, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम सब धोखेबाजों को, छोड़ूंगा नहीं। घबराओ मत, हल्के से डंडा मारा है, नहीं मारता ना तो तुम्हारी जान लेकर तुम्हारा कातिल बन जाता है। यश संभालो इसे। ज्यादा भरोसा करते हैं उन्हीं से डर लगने लगा। यश जी धोखेबाज क्यों कह रहे थे? तब प्यार करते हैं वो हमसे, वो हमें मारना क्यों चाह रहे थे? कहीं कोई उनके मन में हमारे लिए गलतफहमी तो पैदा नहीं कर रहा है? कि कौन है जो हमारी यश जी के मन में हमारे लिए जहर घोल रहा है? लेकिन सबसे पहले हमें आपको ठीक करना है, ठीक करना है आपको। उमा, अंजलि नहीं दिखाई दे रही है, कहीं से पता नहीं मुझे। अंजलि मुझे बता कर गई है कि वो शहर के एक बड़े साइकेट्रिस्ट के पास लेकर जा रही है यश को। किसके पास? मनोचिकित्सक के पास। सत्यानाश, इतना समझाया था मैंने उमा को कि वो यश को जानबूझकर पागल बनाना चाहती है, फिर भी भेज दिया तुम लोगों ने उसे पागलों के डॉक्टर के पास। ताई जी, क्यूरी, हमारे यश को पागलों के डॉक्टर के पास क्यों लेके गई? ऐसा क्या कर दिया उसने? यश जी, आप कमरे में चलिए, हम आते हैं। क्या हालत होगी मेरे बच्चे की? हमें यशी को डॉक्टर के पास इसलिए ले जाना पड़ा क्योंकि कल क्या किया था यश ने, पूरी बात बता अंजलि। पापा, कल रात यश जी ने हमें जान से मारने की कोशिश की। मुझे पागल बनाना चाहते हो ना? हाँ, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम सब धोखेबाजों को, छोड़ूंगा नहीं। कुछ भी बोले जा रही है ये, अगर वो तुझे मारना चाहता था तो मारा क्यों नहीं? आदित्य वहां आ गया और उसने हमें बचा लिया। इतनी रात को आदित्य को क्यों बुलाया था अपने कमरे में?
हमने नहीं बुलाया था बड़ी दादी, वो शायद शायद हमारी चीख की आवाज सुन के आ गया था। कमाल है, पूरे घर में तुम्हारी चीख त्रिपादे तो को सुनाई दी। भोली बनकर हम सबकी आंखों में धूल झोंकला बनकर एक भाई को पति बनाकर चैन नहीं मिला जो दूसरे पर भी डोरे डाल रही है। ये सच नहीं है बड़ी दादी, आप प्लीज ऐसे मत कहिए। अलका भाभी, ये सामान किसका है? अपनी बेटी रिचा का सामान। जो आपके बेटे यश के बच्चे की मां बनने वाली है। यश को उसकी जिम्मेदारियां सौंपने आई। यश, यश, यश कहाँ हो तुम? बाहर आओ। आप लोगों को नहीं पता, जब एक लड़की बिन बिहाई मां बनती है तो समाज उसे किस नजर से देखता है? आपके बेटे ने कितनी आसानी से पल्ला झाड़ लिया और आप लोगों में से किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। जरा सोचिए, अगर कल को रिचा का पेट दिखने लगेगा तो लोग हजार सवाल करेंगे हमसे। हम किस किस को क्या जवाब देंगे? हमारे इज्जत की रत्ती भर भी परवाह नहीं है आपको? यही संस्कार दिए आपने अपने बेटे को कि किसी लड़की को बिन ब्याही मां बनाकर रिश्ते से इनकार कर देना? और भाई साहब, आप तो रिचा के पापा के बचपन के दोस्त हैं। अपने दोस्त की इज्जत नीलाम होते हुए देख पाएंगे आप? हमेशा कहा करते थे ना कि रिचा आपकी बेटी की तरह, तो आज आप खामोश क्यों हैं? आपको पता है कि आपके बेटे की वजह से रिचा घर छोड़ के चली गई थी। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा इंस्पेक्टर साहब, मुझे इनसे अकेले में दो मिनट बात करनी है। अंजलि, एक मिनट ऊपर आओ। मैं इंस्पेक्टर से कहकर यश की गिरफ्तारी रुकवा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। बताओ क्या करना होगा। तुम्हें यश को डिवोर्स देना होगा। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।